हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? फाइनली 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 ऑलमोस्ट आफ्टर 3 वीक मैं कुछ शूट कर रही हूँ, क्योंकि इस दौरान मैं फिर से बीमार पड़ गई थी। तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे आपको टाइटल देखकर पता तो लग ही चुका होगा कि आज मैं अपने टीनेज का कोई एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अभी इसके बारे में भूल चुकी थी, पर कुछ दिनों पहले मुझे वॉशरूम के अंदर इसका मतलब याद आया कि हाँ, ऐसा भी मैं कुछ करती थी। मेरे ना आज तक मैंने जितने भी मेरे दिमाग से आइडियाज निकले हैं वो सारे मेरे वॉशरूम के अंदर ही, और बिल्कुल मैं इसके लिए कोई भी शर्मिंदा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 80-90% लोगों की बाथरूम में ही उनको सारे आइडियाज़ आते हैं, और मुझे भी आते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो ये मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसको कहाँ से सुना था या सीखा था, पर प्रॉबब्ली मैंने इसको न्यूज़पेपर से या तो किसी मैगजीन से मैंने इसको पढ़ा था। तो मैं उस दौरान इसको करती थी और मेरी स्किन ऐसे थी, मेरे दोस्तों के अंदर सबसे अच्छी मेरी स्किन थी, सबसे अच्छी मेरे बाल थे। हालांकि बालों का कुछ अलग ही है, मैंने इसको खत्म किया है, जितना भी कांड किया है, काफी सारे कांड किए हैं मैंने, कभी बताऊंगी। अब बारी आती है कि आप इसको क्यों ट्राई करोगे। तो अगर आपको पहला जो है, अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप इसको ट्राई करोगे, अगर आपका स्किन डैमेज हो चुका है तो आप इसको ट्राई करोगे। आज जो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है सभी में, जो कि है प्री मैच्योर एजिंग, यानी कि बहुत जल्द रिंकल्स का आ जाना, बहुत जल्द फाइन लाइंस का आ जाना, हमारी स्किन झूल जाती है, थोड़ी सैगीनेस का आ जाना। तो उससे आपको ये फेस पैक आपको कंट्रोल करेगा, आपके स्किन को यंगर लुकिंग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ ना, जिनको की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, ये तो मैं कहूंगी कि रामबाण नुस्खा है। जो भी आज मैं फेस पैक दिखाने वाली हूँ ये एक रामबाण नुस्खा है, कि आपके ना जो भी एक्सेसिव ऑयल का आना है, जो कि गर्मी में मॉनसून में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे आपको ये फेस पैक निजात दिलाएगा। इसके साथ साथ जो कि सबको चाहिए आजकल, जो कि है स्किन लाइटनिंग, तो उसमें भी इसका काफी अच्छा हाथ है। ये आपको काफी फास्ट ये रेमेडी आपको काम करेगा। जैसे कि काफी सारे रेमेडी, मैंने भी काफी सारे रेमेडी दे रखा है स्किन लाइटनिंग के, पर ये ना आपको बहुत जल्द इफेक्ट देता है। अगर आपको अपने स्किन में ये सारे के सारे फायदे चाहिए तो ये फेस पैक आप ही के लिए है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को हिट करना मत भूलना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको मिल सके वो सारी नोटिफिकेशन कि मैं कब कौन सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। चाहो तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हो, उसका आईडी इधर शो करा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए जो पहला आइटम आपको चाहिए वो है गाइस ये हनी। मेरे पास पतंजलि का है, आपके पास कोई सा भी है आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैंने बोल ले रखा है, तो इसके अंदर हमें अप्रोक्सीमेट 1 चम्मच के करीब हमें इसके अंदर हनी का लेना है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं इसी तरीके से निकालती हूँ, क्योंकि मुझे अभी अंदाजा हो चुका है कि हाँ, इतने में 1 चम्मच हो जाता है। इसी के लिए मैंने इसके अंदर एक छोटा सा होल कर रखा है, ताकि इजिली गिरे और मेसी ना बन पाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 1 चम्मच के करीब हनी लिया इसके अंदर। नेक्स्ट आइटम इसके अंदर जाएगा वो है गाइस ये लेमन। ये जो हम खाने के साथ खाते हैं, चावल या रोटी किसी के साथ, वो आपको छोटा सा एक लेमन चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में विटामिन सी की जो भी पोटेंशियल है वो सारा इस लेमन के अंदर होता है। इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। हनी का तो आपको पता ही है, मॉइस्चराइजिंग है, एंटी बैक्टीरियल है, आपके एक्ने के ऊपर भी काफी अच्छा काम करता है। तो ये जो मैंने ये सारे जो पहले गिनवाया है ना, जो कि स्किन लाइटनिंग, आपके डैमेज स्किन है तो उसको कंट्रोल करेगा, अगर आपको एजिंग साइंस आ रहे हैं तो उसको ठीक करने में मदद करेगा स्किन लाइटनिंग में, तो वो सारा का सारा क्रेडिट ज्यादातर इस फेस पैक में आप 60-40 का मान लो कि 60% इसी का कमाल है। तो नेक्स्ट आइटम यही जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको 1 चम्मच हनी के अंदर आपसे गिन गिन के सिर्फ आपको 4-5 ड्रॉप ही आपको लेनी है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। बहुत लोग करते हैं कि हनी लेमन का इस्तेमाल बहुत भारी मात्रा में कर लेते हैं, वो हमारे स्किन को इरिटेट कर सकता है। चीजें तो अच्छी है, पर उसका सही मात्रा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जैसे आप देख सकते हो कि इसको मैंने इस एक फेस पैक में इसको अच्छी तरीके से मिला लेने पे, हालांकि ये खाने में भी बहुत अच्छा है।
तो इस पैक के साथ आपको सिर्फ एक सावधानियां बरतनी है, जो कि है जिनको कि लेमन से प्रॉब्लम है, जिनको स्किन को कि लेमन से एलर्जी है, ज्यादातर सेंसिटिव स्किन को। मुझे भी लेमन से एलर्जी है, तो मैं इस दौरान इसको नहीं लगाती हूँ, पर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप कोई सा भी हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ वो लोग छोड़कर जिनको कि लेमन से एलर्जी है। हालांकि मैं लेमन नहीं लगाती, पर क्योंकि मेरा वीडियो है और यूट्यूबर को इतना तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, तो मैं अभी मतलब जय माँ कहकर इसको लगाने वाली हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाँ इसको इस्तेमाल किया ही जाता है। ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ का कह रही हूँ। तो आपको जिस तरीके से फेस पैक लगाते हैं, उसी तरीके से इसको भी आपको अपने चेहरे पे लगा लेना है। सिर्फ आपको ना इसको आंखों के पोर्शन को छोड़कर लगाना, इतने करीब हमें लेमन को नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो ये आपके अंडर आई की जो स्किन है उसको भी इरिटेट कर सकता है। कर सकता है नहीं, कर सकता ही है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इसको अपने पूरे चेहरे पर लगा लिया है। हालांकि मुझे लेमन से एलर्जी है, पर फिर भी मैंने दिखाने के लिए लगाया है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा ना इसका इस्तेमाल शुरू भी करूँ, क्योंकि ये काफी अच्छा है, खास करके यू नो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए ये काफी इफेक्टिव एक फेस पैक है। तो आज भी मैं लगाया है, अगर मुझे आज इरिटेशन नहीं होता है तो फिर मैं एक दूसरा अटेम्प्ट भी करने वाली हूँ एक दिन छोड़कर। तो क्या करना है आपको, इसको लगाने के बाद आपको 7 से 10 मिनट के अंदर इसको उतार देना है, इससे ज्यादा हमें जरूरी नहीं है लगा के रखना। तो चलिए मैं 10 मिनट के बाद इसको धोकर फिर आपसे मिलती हूँ, तो फिर बताऊंगी कि आपको इसको कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं इस्तेमाल करना है, हफ्ते में कितने बार इस्तेमाल करना है या कितने दिनों तक आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना चेहरा धो लिया है। मैंने हालांकि 7 मिनट में धोया, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने काफी दिनों से इसको इस्तेमाल नहीं किया और लेमन को मैं ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहती थी। तो अब यही बारी आती है कि आपको कितना देर तक रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आप बिल्कुल 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको बिल्कुल निकाल देना है। ऐसा नहीं खींचना कि 15 मिनट जैसा हम रेगुलर अपना फेस पैक रखते हैं, बिल्कुल नहीं खींचना है। अब बारी आती है कि हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो। कितनों को भी बहुत जल्दी है, कुछ फंक्शन है, फिर भी आप इसको हफ्ते में 3 बार से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करने की मैं सलाह देती हूँ कि आप सही है कि आप इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करो, उसको 10 मिनट के लिए रखो, फिर उतार दो। अगर आपको लगता है कि इससे भी थोड़ा हमें कुछ और आगे का बताओ, तो आप हफ्ते में 3 दिन करो, यानी कि हर एक ऑल्टरनेट डे एक दिन बीच में छोड़कर फिर आप कर सकते हो। लेमन का इस्तेमाल सही तो होता है, पर अगर आपने उसको सही ढंग से या लिमिटेड वे में नहीं इस्तेमाल किया, तो हो सकता है कि आपके स्किन में उसका कुछ इरिटेशन हो जाए, कुछ एक साइड इफेक्ट हो जाए। अब बारी आती है कि जैसे मेरी स्किन एक्ने प्रोन है, बहुत सारे एक्ने प्रॉन स्किन वालों को लेमन से एलर्जी होती है, जैसे मेरी स्किन को भी है। तो आपको अगर एक्ने हैं तो आप बिल्कुल इस फेस पैक को अटेम्प्ट नहीं करोगे। पहले आप अपना एक्ने ठीक कर लो, उसके बाद तो आप कभी भी ये सब कर सकते हो। जिनको कि सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जिनको सेंसिटिव स्किन है उनको भी लेमन से एलर्जी होती है। जिनको कि ऐसे ही लेमन से एलर्जी, उनको सेंसिटिव स्किन नहीं है पर ऐसे ही लेमन से एलर्जी है, आप बिल्कुल भी इस पैक को नहीं अटेम्प्ट करोगे। पर इसको छोड़कर जो भी जिनको भी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए तो जैसे कि मैंने बोला रामबाण उपाय, बहुत अच्छा फेस पैक है। इंस्टेंटली ना आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि आपका स्किन फ्रेश हो चुका है और बिल्कुल भी ग्रीजीनेस जो भी था वो सारा चला जाएगा। बहुत एक अच्छा फेस पैक है। होप कि मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है, जो भी सारा कुछ बताना था इस पैक के बारे में। आप पूछते रहते हो कि मेरा फोर इतना क्यों चमकता है, अभी भी चमक रहा है बताओ। मुझे तो नहीं दिखता इतना, पर लोगों को दिख जाता है। आई गेस कि यही पर मेरी भी कुछ यानी जो सफलता है कि मैं इतना होम रेमेडी को प्रमोट करती हूँ, आयुर्वेद को प्रमोट करती हूँ। तो आप ही देख दो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी स्किन ग्लोइंग है, तो मुझे लगता है कि मैं खड़ी उतर चुकी हूँ कि जो मुझे करना था। तो मैंने सोच रखा है कि मैं अपना एक एपिसोड लाऊंगी कि मैं अपने फोरहेड को क्या लगाती हूँ। एक किसी ने कहा कि मैं प्लास्टिक लगाती हूँ सिर्फ अपने फोरहेड में चमकाने के लिए। तो देखते हैं कि प्लास्टिक लगाया है, आयरन लगाया है, क्या लगाया है, वो सारा एक एपिसोड में आएगा बहुत जल्दी। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज घर पे ट्राई करना, जिन जिनको मना किया है उनको छोड़कर बाकी सबके साथ आप ट्राई कर सकते हो, इसको खा भी सकते हो। जैसे कि मैंने बोला मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है।
तो चलिए आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इधर एक बटन है उसके पास जो बेल बटन है उसको भी टैप कर दो, ताकि आपके ऐसे ही सारे जानकारी वाले वीडियो आपको मिल पाए। बहुत आसान सी रेमेडी है, आप इजीली घर पर इसको कर सकते हो, कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं। मैं बहुत ज्यादा किचन रेमेडी के ऊपर फोकस करके अपना सारा बनाती हूँ कि हमें कुछ खरीदना ना पड़े। चाहो तो मेरे साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, पहले ही बोल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और इधर आईडी शो कर रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टेक केयर, ख्याल रखिए खुद का, बाय बाय।